भारत रूस की दोस्ती पर सवाल उठाने के लिए दुनिया तैयार खड़ी है, लेकिन भारत रूस ने हर बार बता दिया कि ये दोस्ती कभी नहीं टूट सकती, इसे तोड़ना नामुमकिन है। दरअसल रूस ने पाकिस्तान को कच्चा तेल पहुंचाया, तो पाकिस्तान से लेकर भारत के दुश्मनों में खुशी की लहर दौड़ गई और सब कहने लगे कि रूस अब भारत का पक्का दोस्त नहीं रहा। लेकिन रुकिए, असल में पाकिस्तान को रूस ने एक कच्चा तेल तो दिया, लेकिन ये तेल भारत से पहुंचा है पाकिस्तान। अब आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान पहुंचे रूसी तेल से भारत मालामाल हो गया। पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप लगा है। दरअसल पाकिस्तान का एक फेमस बिजनेस अखबार है बिजनेस रिकॉर्डर, जिसके संपादक और आर्थिक मामलों के जानकार वकास ने बड़ा बयान देकर पाकिस्तान क्या दुनिया में भारत रूस की दोस्ती तोड़ने वाले देशों में तहलका तक मचा दिया। वकास ने कहा, पाकिस्तान के रूसी तेल खरीदने से भारत ने बिचौलिया बनकर जबरदस्त कमाई कर डाली। रूस से निकलकर कच्चा तेल पहले भारत पहुंचा और इसके बाद ये कच्चा तेल भारत से गुजरात राज्य से यूएई पहुंचा और इसके बाद ये तेल यूएई से पाकिस्तान पहुंचाया गया। लेकिन गुजरात के पास ही पाकिस्तान की कराची पोर्ट है, जहां अभी ये तेल उतरा है। इस पूरे रूसी कच्चे तेल के खेल में भारत ने बिचौलिया बनकर जमकर पैसा बनाया है। रूस ने पहले ये कच्चा तेल भारत बेचा, $52 प्रति बैरल में बेचा, और फिर भारत ने इस तेल को बेच डाला यूएई को, और फिर क्या था, यही कच्चा तेल यूएई ने पाकिस्तान को बेच दिया। अब पाकिस्तान को ये रूसी कच्चा तेल $69 प्रति बैरल पड़ा। वकास ने दावा किया कि भारतीय खरीदार ने इस पाकिस्तानी तेल के सौदे में $17 प्रति बैरल की कमाई की। रूस और पाकिस्तान के बीच ये करीब 2,50,000 बैरल की डील है। ऐसे में पाकिस्तान के हाथ में सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप लगा। हालांकि भारत तक इस खबर की पुष्टि नहीं करता, ये वकास के हवाले से है, लेकिन ये खबर जरूर पाकिस्तानी समर्थकों और भारत विरोधी लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन पाकिस्तानी अखबार ने अब तहलका मचा दिया ये बताकर। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसी रूसी कच्चे तेल को पिछले साल ठीक उसी दाम में खरीदे होते जिस दाम पर भारत ने खरीदा, तो उसे पूरा डिस्काउंट मिलता। इसे छूट के बाद उपभोक्ताओं को दिया जा सकता था। अब रूसी तेल जिस दाम पे मिले हैं, वो खाड़ी देशों के मुकाबले बहुत थोड़ा ही सस्ता है। यानी कि पाकिस्तान की रूस के साथ तेल डील बहुत लेट हो गई और इससे बचत बहुत कम हो पा रही है। अब अगर पाकिस्तान पहुंचे कच्चे तेल की बात कर ले, तो ऐसा पहली बार है जब एक रूसी तेल टैंकर 45,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल कराची पहुंचा है। अब ये कच्चा तेल पाकिस्तानी रिफाइनरों को टेस्ट करने के लिए दिया गया है। खैर, पाकिस्तान के अखबार की रिपोर्ट सही है तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने भारत से डील की है, और ये साफ है कि तेल के खेल में भारत ने पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से पटक दिया है। अब आपका क्या कहना है, क्या भारत से पाकिस्तान तेल गया या फिर नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।